बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर, आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो हम देखेंगे कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है और इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्क्रीन पे देखें अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू कैपिटल एसेट डिपेंड ऑन वेदर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर और लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ रहे हैं? कहता है जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि जो आप नया कैपिटल एसेट जो आप लगा रहे हैं तो आपका वहां से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, या फिर आपका जो आप बैंकों से कर्ज लेते हैं और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है उसका रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का क्या है और रेट ऑफ रिटर्न का क्या है। रेट ऑफ रिटर्न आपके कैपिटल एसेट पे होता है और जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट वो उस रुपए पैसे पे होता है, उस कर्जे पे होता है जो आप बैंक से लेते हैं। तो इन दोनों चीजों को देखा जाता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द इंटरेस्ट रेट दैट इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन एक्वायरिंग न्यू कैपिटल एसेट। यानी वो कह रहा है, आपको बता रहा है कि अगर आपका कैपिटल एसेट लगाने पे आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बैंक रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन न्यू कैपिटल एसेट, तो फिर आप नए कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन while making an investment decision। आपने जब कभी भी investment करनी है तो ये तीन चीजें आपको मद्देनजर रखनी होती हैं। The cost of capital asset, जो capital asset आप लगा रहे हैं उसकी cost क्या आएगी। Secondly, the expected rate of return from its during its lifetime। और जो आप capital asset लगा रहे हैं lifetime में, during lifetime आपको expected rate of return वहां से क्या मिलेगा। और तीसरी चीज the market rate of interest, आप उसको देखते हो कि मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी जो बैंक दे रहे हैं उनके रेट्स क्या है। अगर उनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो तो फिर आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बात आप अपना कैपिटल एसेट ना लगाएं, आप बैंक से कर्जे लेके कारोबार कर लें। तो ये तीन चीजें बहुत ही अफेक्ट करती हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को, ठीक है। ये बड़ी कंसिडरेबल है इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो आपने बड़े ध्यान से इसको और एंड तक देखना। टर्म मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है, अब इसका मतलब हम ये समझने जा रहे हैं, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मेनार्ड केन्स इन हिज जनरल थ्योरी। ये जॉन मेनार्ड केन्स की मैं आपको शक्ल भी दिखा रहा हूँ, इस तरह का बंदा था, हैट पहने हुए। तो इसने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया था। The marginal efficiency of capital is the highest rate of return expected from an additional unit of a capital asset over its cost. तो अपनी cost से per unit of capital जो है उसका expected rate of return जब higher होता है तो आपकी marginal efficiency of capital ज्यादा होती है, बेहतर होती है। तो आपको फिर क्या करना चाहिए, अब capital asset इस्तेमाल करना चाहिए। That was said by John Maynard Keynes, ठीक है, या JM Keynes। इसके अलावा ये एक ओरिहारा है, इसकी बात आप सुने। ये कहता है इट इज द रेशियो, क्या कह रहे हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एडिशनल कैपिटल गुड्स एंड देयर सप्लाई प्राइस। यानी जो सप्लाई प्राइस है और जो आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड मतलब आएगी, ठीक है, उनके दरमियान रेशियो को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है एग्रीगेट नेट रिटर्न है, आपने जो भी लगाया और आपको एक्सपेंस पे करने से पहले पहले जितनी नेट रिटर्न आ रही है उसको हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड कहते हैं एज अ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ओके, सप्लाई प्राइस क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द एसेट, एसेट को या मशीन को प्रोड्यूस करने की जितनी कॉस्ट आती है उसे सप्लाई प्राइस कहते हैं, राइट। तो ये ख्यालात थे कुरिहारा के रीडिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के। सो के यू गेट पॉइंट व्हाट आई वाज सेइंग प्रेजेंटेड बाय कुरिहारा। Now look at it, look at this example. Supply price of capital asset is 20,000 rupees
20,000 ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एनुअल यील्ड है उसकी ₹2,000। अगर आपने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निकालनी है तो 2000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 10% जो है ये आपकी क्या आ रही है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आ रही है। सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गिवन इन्वेस्टमेंट ऑन अ कैपिटल एसेट, राइट। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है और ये एग्जाम्पल मैंने आपके साथ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की शेयर कर दी। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू द स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्लियर है ना बेटा? जी सर। ओके, अकॉर्डिंग टू केन्स, अब केन्स क्या कहता है, केन्स कहता है कि इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्काउंट, क्या कह रहे हैं, इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्काउंट विच वुड मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेल्स ऑफ एनुइटीज गिवन बाय द रिटर्न। एनुइटीज आपने बिजनेस मैथ में पढ़ी है आपको, वो 5 साल जो रिटर्न होता है किसी भी कैपिटल पे, ठीक है, गिवन बाय द रिटर्न्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम जस्ट इक्वल टू द सप्लाई प्राइस, ठीक है। ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, अगर वो 5 साल जो एनुइटीज है उनका रिटर्न और कैपिटल एसेट का रिटर्न जो है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो ये केन्स ने अपने ख्यालात का यहाँ पे इजहार किया रिगार्डिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नाउ रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की, तो लुक एट इट, लुक इस इक्वेशन के, कहते हैं SP इज इक्वल टू Q1 ओवर 1 प्लस E, ठीक है, प्लस Q2 ओवर 1 प्लस E स्क्वायर प्लस अप टू चलते चलते Qn डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस टू पावर n, ठीक है। इसमें SP का मतलब सप्लाई प्राइस है, इसमें Q1 Q2 Qn का मतलब प्रोस्पेक्टिव यील्ड है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, राइट, एंटीसिपेटेड एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम द कैपिटल एसेट इन द इयर्स 1, 2, 3 अप टू n, जितने भी सालों के लिए कैपिटल लगाया हुआ है उससे जितनी भी प्रोस्पेक्टिव यील्ड होगी बिफोर एक्सपेंडिचर उसको Q1 Q2 Qn से डिनोट करते हैं। और E का मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट है, E का मतलब क्या है यहां पे, रेट ऑफ डिस्काउंट, और दी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इसी को कहते हैं, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो मैथमेटिकली और जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। होप सो कि स्टैंडर्ड दिस, अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो अपना माइक बंद करके आपने क्वेश्चन करें। अब मैं आपको जा रहा हूँ स्केड्यूल की तरफ, स्केड्यूल ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैसे बनाते हैं और क्या होता है और कैसे हम कंपैरिजन करते हैं। जेम केन्स के मुताबिक बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस स्टॉक्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक खास टाइम पीरियड के अंदर इकोनॉमी के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जितना भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। As the stock of capital increases economy, the marginal efficiency of capital goes on diminishing. क्या कह रहे हैं? जैसे ही stock of capital बढ़ता है, capital ज्यादा होता जाता है economy में, the marginal efficiency of capital goes on diminishing. क्योंकि उसकी value कम हो रही ना capital की, तो उसकी जो marginal efficiency है capital की वो कम होती जाएगी. इस तरह marginal efficiency of कैपिटल कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, ये हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। इससे पहले कि मैं आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व को शो करूं, सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे उसे प्रैक्टिकली आपको न्यूमेरिकली एक स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप ये देखें कि इसमें पहले कॉलम के अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट है बिलियन में, 20 बिलियन, 25 बिलियन, 40 बिलियन, 70 बिलियन और 100 बिलियन। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आप इसके सामने देख रहे हो, जब इन्वेस्टमेंट होती है ₹20 बिलियन तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कितनी होती है, 10% होती है। जैसे इन्वेस्टमेंट 25 बिलियन होती है यानी 5 बिलियन इंक्रीज कर जाती है, तो आप ये देख रहे हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहाँ चलेगी, डिक्लाइन होके 9% पे चलेगी। इसी तरह जब इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ी, ₹25 बिलियन से बढ़ के 40 बिलियन होती है, तो आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो 7% पे आ जाती है, देन 5% पे, देन 2% पे जब 100 बिलियन होती है, रुपीस 100 बिलियन होती है। तो ये कंपैरिजन आप देख लिया कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो अगर बढ़ रही है तो इसके बढ़ने की वजह से जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है
वो क्या कर रही है, वो डिक्लाइन कर रही है। ये नेगेटिव रिलेशन आपने ऑब्जर्व कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सो सिम टेबल विच आई रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर ब्रेन। नो, इसका कर्व इसी तरह नेगेटिव स्लोप का बनेगा। आप ये देखें, वाई एक्सिस के ऊपर हमने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को शो किया, जो बिलियन रुपीस, बिलियन में है, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 6 बिलियन, 8 बिलियन एंड 10 बिलियन। और इसी तरह जो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हमने एक्स एक्सिस पे शो किया। तो जैसे जैसे जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो कम होती जा रही, जैसे जैसे आपका जो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। आप ये देखें कि यहाँ पे 100 पे क्या है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो है 100 पे कितनी है, 2% है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें 60 और 80, 70 पे आप देखें तो कितनी है, 5 है। और आप 40 पे देखें तो ये कितनी है, 7 है। आप यहाँ पे 20 पे देखें तो ये कितनी है, 10% है, राइट। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो कम होती जाती है। वही रूल के जो जिसकी बहुतात होगी, ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू में आती जाएगी, उसकी कदर में कमी आती जाएगी, ठीक है। दिस वाज व्हाट अबाउट द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो डियर